अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एग राइस बना रही हूँ, उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच आयल लेके हूँ, आयल गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को थोड़ा हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सारी इसका कच्चा बन जाने तक थोड़ा इसको फ्राई कर लेना। बहुत इजी है ये और बहुत कम वक्त में भी बनते हैं, बहुत टेस्टी। बासी खाने में भी बना सकती हैं ग्रेस से, और फ्रेश खाने में भी बना सकती हैं। अब इसमें मैं थोड़ा नमक डाल लेती हूँ, नमक आपके हिसाब से डाल लेना है, और थोड़ी हल्दी, मतलब आधा स्पून हल्दी, और मिर्ची आपके हिसाब से, मिर्ची पाउडर आपके हिसाब से डाल लेना है। डाल के इसको मिक्स कर लेकर इसमें अंडे डाल लेना है। अंडा थोड़ा हल्का ऐसा मार के इसमें डाल लेना है। इस तरह फिर और एक अंडा ऐसे ही डाल लेना है। अंडे डालकर 1-2 मिनट तक इसको थोड़ा स्टीम कर लेना है, अंडे थोड़ा घट हो जाना, उसके बाद इसको मिला लेना है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको अंडे को मिक्स करना है। इस तरह मिक्स कर लेना, लो फ्लेम में करके इसको ऐसा अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेना, इसका कच्चा पन जाने तक। अंडा फ्राई हो गया है, अब इसमें खाना मिक्स कर लेंगे राइस। अब खाना है ना ऐसा मिक्स कर लेना है, लो फ्लेम करके खाना ऐसा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद नमक अपने हिसाब से टेस्ट कर लेना है। मिक्स कर लेके इसको थोड़ा 2 मिनट तक इसको अच्छा दम होने के लिए छोड़ देना। खाना अच्छे से स्टीम हो गया है, अब इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, मतलब कथी मिर्च। आपको कथी मिर्च पसंद है तो डाल सकते, नहीं तो स्किप भी कर सकती, ठीक है। इसको मिक्स कर लेना है ऐसा। इस तरह खाना हमारा अब एग राइस रेडी हो गया है, अब इसको हमें डिश आउट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। एग राइस बनकर रेडी हो चुका है, बहुत टेस्टी भी है और कम वक्त में बनता है और जल्दी भी बनने वाली डिश है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी डिश कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।